हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजीव और स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल टेक जरा सा में। फ्रेंड्स, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था आपको कि फैमिली कैसे क्रिएट करते हैं, फैमिली कैसे ज्वाइन करते हैं एंड फैमिली से कैसे एग्जिट करते हैं एंड इवन आप अपना खुद का पार्टी रूम कैसे बना सकते हो। लेकिन आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे नए यूज़र जो होते हैं स्टार मेगर के, वो अपना खुद का पार्टी रूम तो बना लेते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि ऑनर के राइट्स और पावर क्या होते हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे और जानते हैं ऑनर के राइट्स और पावर। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। तो चलिए ओपन करते हैं स्टार मेकर को और जानते हैं ऑनर के राइट्स और पावर। इसके लिए मुझे ओपन करना होगा अपना रूम, तो मुझे क्लिक करना होगा पार्टी पे। पार्टी पे क्लिक करने पर आप देख सकते हो मेरा रूम है म्यूजिक जैम, ओपन कर लिया मैंने इसको। और मैं क्लिक करता हूँ वन पे जो क्रॉस के बगल में है, आपको उससे पता चल जाएगा कि मैं इस रूम का ऑनर हूँ। तो आप देख लो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है ऑनर एंड लीड सिंगर। ऑनर के राइट्स को जानने के लिए मुझे क्लिक करना होगा गिफ्ट के बगल में जो थ्री हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पर, और फिर देन क्लिक करना होगा इन्फो में एंड देन रूम इन्फो। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि रूम ऑनर क्या क्या कर सकता है। तो सबसे पहले रूम का नेम हम चेंज कर सकते हैं, रूम ऑनर अपने रूम का नेम चेंज कर सकता है। तो मैं करूँगा नहीं अभी, फिलहाल एग्जिट कर लेता हूँ। देन आईडी हो गई, लेवल हो गया, आप अपने रूम का कवर पिक्चर चेंज कर सकते हो, एल्बम चेंज कर सकते हो और फैमिली, अगर आपने किसी फैमिली को बनाया है, फैमिली ग्रुप बनाया है तो वहाँ पे कुछ एडिट कर सकते हो। बट मैंने किसी दूसरे का फैमिली ज्वाइन करना है तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मैं वापस आ जाता हूँ। फिर अनाउंसमेंट, यानी कि इसमें जा कर के आप अपने रूम के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो वो चेंज कर सकते हो या अपडेट कर सकते हो। तो बैक आ जाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑनर, ऑनर पे क्लिक करके हम देख सकते हैं कि ऑनर कौन है। जैसे मैं हूँ इस रूम का, देन कॉर्नर में आप देख सकते हो कॉर्नर, फिर बैक आते हैं और फिर ये एडमिन का लिस्ट है। आप यहाँ से इस मेंबर को मैनेज भी कर सकते हो, इनको रिमूव या प्रमोट भी कर सकते हो। देन लीड सिंगर, ये यहाँ से भी होता है, मैं आपको आगे बताऊँगा। फिर है ब्लॉक लिस्ट, अगर आपने किसी को रूम से रिमूव किया है तो ये सारा यहाँ पर दिखेगा। देन है सॉन्ग लिस्ट, अगर आपने अपने रूम के लिए कोई सॉन्ग लिस्ट क्रिएट किया है तो ये सारा लिस्ट यहाँ पे दिखेगा। लैंग्वेज, आप अपने रूम का लैंग्वेज चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी रखना चाहते हो। तो बैक आ जाते हैं यहाँ से। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हु कैन ज्वाइन, यानी कि आप अपने रूम को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं कि आपके रूम को कौन कौन ज्वाइन कर सकता है। अगर आप एनी वन करेंगे तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है, अगर आप रूम ऑनर फॉलोइंग करेंगे तो आपने जिसको फॉलो कर रखा है वही ज्वाइन कर पाएंगे यहाँ पर। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हु कैन सिंग, तो यहाँ पर भी वही बात है, अगर आपने एनीवन सेलेक्ट कर रखा है तो यहाँ पे कोई भी क्यू करके सॉन्ग गा सकता है, लेकिन अगर आपने रूम ऑनर फॉलोइंग कर रखा है तो यहाँ पे वही गा सकता है जिसको आपने फॉलो कर रखा है। तो आते हैं बैक और देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट ऑप्शन है मैनेज रिकमेंडेशन का, यानी यहाँ पे आकर के आप किसी भी मेम्बर को, अपने फैमिली मेम्बर को या फिर किसी दूसरे मेम्बर को पॉपुलर सॉन्ग या जो पहले इसका नाम था ट्रेंडिंग सॉन्ग के लिए रिकमेंडेड कर सकते हो। क्योंकि मेरा लेवल 3 है तो मैं 2 सॉन्ग को पर डे रिकमेंडेड कर सकता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है वेरीफाइड सिंगर, यहाँ पे मेरा लेवल 3 है तो मैं हर एक वीक एक वेरीफाइड सिंगर के लिए रिकमेंडेड कर सकता हूँ। देन नेक्स्ट ऑप्शन है पार्टी गुरु का, क्योंकि मेरा लेवल 3 है रूम का तो मैं यहाँ भी हर एक वीक एक मेंबर को पार्टी गुरु का टैग रिकमेंडेड कर सकता हूँ। तो आते हैं बैक और देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है रूम मोड का, अगर आप सोलो मोड करोगे तो ये सिंगिंग मोड में हो जाएगा, आप यहाँ पे सिंगिंग कर सकते हो, और अगर मल्टी मोड करोगे तो आप बैठ के यहाँ पे बातें कर सकते हो। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यह काम करता है। तो पहले क्लिक करते हैं मल्टी मोड में, ये पूछ रहा है ओके, देन आप देखो रूम का लुक कैसा हो जाता है, यहाँ पर सीटें बन जाती है और आप यहाँ पर बैठ के बातें कर सकते हो आपस में। सोलो मोड में जाने के लिए क्लिक करना होगा थ्री हॉरिजॉन्टल पे, देन इन्फो, देन रूम इन्फो, देन क्लिक करना होगा रूम मोड पे और देन इसको वापस क्लिक करना होगा सोलो मोड पे। तो आप देख सकते हो फिर ओके, और ये फिर चेंज हो गया सोलो मोड यानी सिंगिंग मोड में। तो इस तरह से आप रूम का मोड चेंज कर सकते हो। फिर से चलते हैं रूम इन्फो में और देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है मैनेज सिंगिंग टाइम, यानी कि आप यहाँ से सिंगिंग टाइम को लिमिट कर सकते हो, यानी जो भी क्यू करेगा आप अपने अकॉर्डिंग टाइम को लिमिट कर सकते हो, 4 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए या फिर कुछ भी नहीं। तो इसे इनेबल करके आप सिंगिंग टाइम के ड्यूरेशन को लिमिट कर सकते हो। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रिस्ट्रिक्टेड यूज़र, यानी कि आप इस ऑप्शन को लगा करके किसी भी यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो अपने रूम में आने से। अगर ऑर्डिनरी यूज़र की बात करें तो वो ये यूज़र है जो कि को ऑनर, एडमिन और लीड सिंगर आपके रूम के नहीं है। ऑल यूज़र करने पर आप सारे को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो रूम में आने से। तो आते हैं बैक और जानते हैं ऑनर के कुछ और राइट्स और पावर को।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक मेरी यहाँ पे सैंपल आईडी है जो कि अभी कोई टैग नहीं मिला है इसे। तो चलिए इसे मैनेज में जाके एक टैग देते हैं सेट एज ए कॉर्नर। तो देखो आप ये कॉर्नर बन चुका है ये आईडी। तो इसे फिर से अभी आप लिस्ट में जाके देख सकते हो ये कॉर्नर दिख रहा है यहाँ पे। अब इसे फिर से मैनेज में जाके इसे रिमूव करते हैं। तो चलिए रिमूव करते हैं मैनेज में जा करके रिमूव कॉर्नर। ये देखो रिमूव हो चुका है। अभी जाके लिस्ट में देख लेते हैं ये रिमूव यहाँ दिख रहा है। अब चलिए इसे फिर से सेट करते हैं सेट एज ए एडमिन। इसे एडमिन का टैग देते हैं और आप देख रहे हो इसे एडमिन का टैग मिल गया। ये रहा एडमिन का टैग। अब फिर से इसे रिमूव करते हैं इस वाले टैग से। तो मुझे फिर से आईडी पे जाना होगा मैनेज पे और मैनेज में जाके इसे रिमूव करना होगा रिमूव एडमिन। ये देखो आप रिमूव हो चुका है। लिस्ट में जाके देख लेते हैं अभी यहाँ पे कुछ नहीं देख रहा है। तो चलिए फिर से इसे अब टैग देते हैं लीड सिंगर का। तो सेट एज लीड सिंगर क्लिक करते हैं। देखो आप लीड सिंगर बन चुका है ये आईडी। लिस्ट में जाके देख लेते हैं यहाँ पे ये लीड दिखा रहा है। तो चलिए लीड के साथ हम कुछ और टैग लगाते हैं इसमें। जैसे लीड के साथ चलिए हम लगाते हैं कॉर्नर का। तो ये लीड के साथ कॉर्नर का भी टैग लग गया। फिर इसे रिमूव करते हैं और एडमिन का लगाते हैं। ये लीड के साथ एडमिन का भी टैग लग गया। और फिर चलते हैं इस वाली आईडी पे और इसको टैग लगाते हैं फिर से कॉर्नर का। तो ये फिर से कॉर्नर के साथ लीड का लग गया। और फिर से चलते हैं एक बार और इस आईडी पे टैग लगाते हैं एडमिन का और देखते हैं कि कॉर्नर एडमिन और लीड एक साथ लग सकते हैं या नहीं। तो ये देख लो आप एडमिन के साथ लीड लग गया। यानी कि इससे मतलब ये पता लगा कि आप कॉर्नर एडमिन और लीड एक साथ नहीं कर सकते हो। या तो एडमिन के साथ लीड या फिर कॉर्नर के साथ लीड का टैग लगा सकते हो आप। तो चलिए फिलहाल इस आईडी से अपने सारे टैग को हटा देते हैं और इस आईडी को सिंपली रहने देते हैं और फिर देखते हैं ऑनर के कुछ और राइट्स को। तो चलिए ये आईडी सिंपल हो चुकी है। अगला जो पावर है ऑनर का, अगर आप चाहे तो अपने रूम में जिसने भी सॉन्ग क्यू किया है उसको उस लिस्ट से हटा सकते हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये मेरी आईडी ने क्यू किया है। मैं इसके सॉन्ग पे बस टच करूँगा और यहाँ पे एक ऑप्शन है रिमूव फ्रॉम द क्यू, बस उस पर टच कर देना और यस कर देना, ये रिमूव हो जाएगा। ऑनर के दूसरे राइट्स की बात करें तो आप किसी भी मेम्बर को अपने रूम से रिमूव कर सकते हो। इसके लिए आपको मेंबर पे क्लिक करना होगा, देन मैनेज वाले ऑप्शन में एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको रिमूव फ्रॉम रूम। तो आप इस पर क्लिक करके इससे आपसे पूछेगा ओके, देन ओके करना है और आप देख सकते हो कि ये मेंबर रूम से रिमूव हो चुका है। आप देख लो लिस्ट में कोई नहीं है। इसे वापस लाने के लिए आपको जाना होगा इन्फो में, देन रूम इन्फॉर्मेशन में और ब्लॉक लिस्ट वाले सेक्शन में जा कर के आप देख सकते हो वहाँ पर कि ये यूज़र ब्लॉक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 7 डेज के लिए ये ब्लॉक है। इसे सिंपली अनब्लॉक करने के लिए आपको टच करना होगा अनब्लॉक वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे आपको कर देना है यस। यस करने पे वो यूज़र इस वाले सेक्शन से हट चुका है और वापस से हमारे रूम में इंटर कर सकता है। तो इस तरह से आप किसी यूज़र को अपने रूम से रिमूव और अनब्लॉक कर सकते हो। अब यहाँ पे ऑनर का एक और पावर है जिसमें कि आप सॉन्ग लिस्ट में जिसने भी सॉन्ग किया उसको अप डाउन कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं 3 नंबर वाले को चाहूँ तो मूव अप द क्यू कर सकता हूँ और ये 2 नंबर पे चले जाएगा, जैसे कि ये चला गया। और फिर से मैं दोबारा उस पर टच करता हूँ 2 नंबर वाले पे, चाहूँ तो मैं इसको रिमूव फ्रॉम द क्यू भी कर सकता हूँ, यानी कि इसको क्यू से हटा सकता हूँ। तो फिलहाल मैं दोबारा से इसे नीचे करता हूँ मूव अप द क्यू। देख लो 3 नंबर वाला ऊपर चला गया, यानी मैं ऊपर चला गया। अब एक ऑप्शन है पिन अप द क्यू। अगर मैं इस ऑप्शन को कर देता हूँ तो सॉन्ग में कोई कितना भी नीचे रहे सीधे वो 2 नंबर पे चला जाएगा। तो ये दोबारा से 2 पे चला गया। अब मैं दिखाता हूँ रिमूव करके। देखो रिमूव फ्रॉम द क्यू करने से ये सीधे क्यू से रिमूव हो जाएगा, यस करने और ये क्यू से रिमूव हो गया। तो इस तरह से सॉन्ग लिस्ट में आप किसी के भी सॉन्ग को अप डाउन कर सकते हैं। और अगर कॉर्नर की बात करूँ तो कॉर्नर सिर्फ रूम मोड को चेंज नहीं कर सकता, यानी कि सोलो से मल्टी और मल्टी से सोलो नहीं कर सकता, बाकी वो सारा कुछ कर सकता है एज ए कॉर्नर, जो भी ऑनर कर सकता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ऑनर के क्या क्या राइट्स पावर होते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।